जैसे सामने बैठते हैं वैसे ही हमारे अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। अब शराबी के पास बैठोगे तो शराब वही गुण आने शुरू हो जाएंगे। अगर परमात्मा जैसे जो हमें अपने अंदर लाने हैं तो हमें परमात्मा के संग में रहना पड़ेगा। मन ही मन परमात्मा को याद करते रहो। जब हम परमात्मा को याद में रहेंगे, परमात्मा के ध्यान में रहेंगे, परमात्मा का सत्संग सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे अवगुण निकल कर हमारे अंदर सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे, उनके किरणें आने शुरू हो जाएंगी। कहते ना याद को याद खींचती है। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो उनको भी टचिंग होगी तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे अगर हमें अपने गुण जागृत करने हैं, परमात्मा की याद में रहना पड़ेगा, उसका सत्संग सुनना पड़ेगा, तो ऐसे गुण हमारे अंदर भी आ सकते हैं। जैसे परमात्मा में वो प्रेम का सागर है तो हम प्रेम स्वरूप होने चाहिए, वो सुख का सागर है तो हम सुख स्वरूप होने चाहिए। तो हमारे अंदर से सुख खत्म हो जाएगा अगर हम परमात्मा की याद में। अब इस चित्र पे आएंगे, बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर। इस चित्र पे आएंगे, इस चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, परमात्मा कौन है। आज हम परमात्मा को अलग अलग दाम से अलग अलग धर्म के हिसाब से याद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ जी, तो कैसे भाई भाई है? वैसे तो शरीरों के बात तो सबके अलग अलग है, हिंदू का अलग, सबके अलग अलग है, लेकिन हम आत्मा रूप में भाई भाई है। आत्मा का पिता एक है, इसलिए हमारा रिश्ता है भाई भाई का, क्योंकि हमारा आत्मा रूप में एक ही पिता है, परमपिता परमात्मा। तो वो परमपिता परमात्मा कौन है? वास्तव में परमपिता परमात्मा उसको कहते हैं जो उसको सब धर्मों की आत्मा स्वीकृति दे, सब माने। तो ऐसे हिंदू धर्म में दिखाते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव की पूजा करते हैं अमरनाथ में, सोमनाथ में भी ज्योतिर्लिंगम शिव की ही पूजा करते हैं, और जो श्री राम ने भी जो पूजा की है वो शिव की पूजा की है लंका पर चढ़ाई करने से पहले। श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की है, और जो हम देवियों को आज पूजते हैं उनको भी क्या बोलकर पुकारते हैं? शिव शक्तियाँ, मतलब वे भी शिव से ही शक्तियाँ लेती हैं। तो ज्योतिर्लिंगम शिव को हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा माना गया है। ऐसे ही जो दूसरे धर्म है, क्राइस्ट है, क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, भगवान एक लाइट है, एक प्रकाश है। हमने ज्योति कहा, उन्होंने प्रकाश कहा, बात एक ही है, लाइट कहा। इन्होंने कहा मुस्लिमों ने अल्लाह नूर है, तो नूर भी एक लाइट ही है। गुरु नानक जी ने कहा कि एक ओमकार निराकार, निराकार मतलब परमात्मा एक है। तो इससे सिद्ध होता है कि हर धर्म में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को सबने स्वीकृति दी है। बाकी स्वरूपों में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस स्वरूप में सबकी एक राय है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा का सत्य स्वरूप ये है, इसको हम कहते हैं सदाशिव। ये सदा ही शिव है, ये हमारी तरह शरीर धारण नहीं करते, ये हमारे मस्तक की ज्योत है। जितने हम शरीर धारण करते हैं हमारे तो उतने ही नाम बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम सदाशिव है। बाकी सोमनाथ, केदारनाथ जो भी उनके नाम रखे हैं वो उनके कर्तव्य के अनुसार हमने प्यार से रखे हैं। असली नाम उनका शिव है, सदाशिव। तो ये परमात्मा का परिचय है। शिव और शंकर में अंतर, आज आपने पीछे देखा है ना कि शिव तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप देह नहीं है, हमारे तरह जन्म मरण से रहित है। तो इसलिए पूजा करने के लिए शिवलिंग बनाया गया है कि ज्योति की पूजा कैसे करेंगे। अब जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, हमें भक्ति करनी है, तो हम चढ़ाने के लिए ये आकार बनाया गया है। वैसे परमात्मा एक छोटा सा बिंदु है, एक प्रकाश, एक लाइट, एक एनर्जी है। ये जो तीन चित्र लाइन खींची गई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, इन तीनों देवों को रचने वाला ये है, ये रचता है, वो रचना है। जो शंकर दिखाया है, शंकर का मतलब है ये आँख बंद करके बैठते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं मतलब ये भी किसी को याद कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं मतलब ये उनसे ऊँचा है कोई। परमात्मा वो जिसका कोई बाप ना हो, जिसका कोई टीचर ना हो, ये खुद ज्ञान के सागर है, इनको कोई नहीं रख सकता, इसने उन्होंने पूरी सृष्टि रची है, स्वयंभू है, इसलिए ये भी इनको याद करते हैं, इनकी ही तपस्या में, इनके ही ध्यान में बैठे। शंकर को कहते हैं विनाशकारी, तीसरा नेत्र खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा, इनका काम है कल्याण करना। ये परम धाम निवासी है और ये सुखसम वतन निवासी है, दोनों के नाम अलग, कर्तव्य अलग। ये देवता है और ये परमात्मा है, शंकर देवता है नमः, शिव परमात्मा है नमः। शिव को कभी भी देवता नहीं कहते हैं, शिवरात्रि मनाई जाती है, कभी भी शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। इस चित्र में दिखाया है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि सबका जन्मदिन मनाया जाता है, शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब सब शिव अवतरित होते हैं तो उस समय कलयुग की घोर अंधियारी रात होती है, पापों की रात होती है, तो भगवान ज्ञान का प्रकाश फैलाकर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए उनकी शिवरात्रि मनाई जाती है।